हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बोल तबले का, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, धिर-धिर। आज हम धिर-धिर के बारे में बात करेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, उसमें धिर-धिर के बारे में मुझे कहा गया कि आप धिर-धिर के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं पूरा लेसन मेरा धिर-धिर के ऊपर रहेगा, कैसे निकलता है, उसका निकास विधि क्या है धिर-धिर की, वो किस प्लेस से निकलता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, किस तरह से धीरे-धीरे सुनाई देता है, किस तरह से बजता है। तो चलिए सीधे, धीरे-धीरे बजता है। और ये कैसे बजता है, और बहुत स्पीड में भी ये जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब बजता है ना। तो ये कैसे बजता है, ये कैसे, किस तरह से बजता है, इस पूरा कलाई का प्रयोग इसमें हो, पूरा कलाई, यहां से इसका कोई मतलब नहीं होता, बस सीधे कलाई से ये बजता है। और इसकी प्लेस ये होती है, अगर ये धी धी र और इस प्लेस से र, धी र है ना, धी में यही बजेगा धी और फिर ये र, ठीक है, र खाली जाएगा, धी र, ठीक, धी र, धी र, दो वर्ण समूह से मिलकर बना धीर धीर, मतलब धीर धीर, मतलब चार वर्ण समूह का है ये, तो धीर धीर सेम है, धीर धीर यही है। और इतना ही है, सिर्फ धी धो, बस थोड़ा सा ये नीचे की ओर जाएगा और फिर ये ऐसे, और हल्के हाथ से, और ये पूरा आप इसका यूज कीजिए, ये धी दोनों से और ये रा, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रयोग बड़ा है, वो धीर धीर धीर, आप सिर्फ धीर का अगर रियाज करना चाहते हैं तो एक छोटा सा बोल है, बस यही है, धीर धीर धीर, इतना ही, धीर धीर धीर, छोटा सा बोल है ये, धीर धीर के लिए अच्छा है, और इससे ही धीरे धीरे अच्छा तैयार हो सकता है। धीर धीर दो बार धीरे धीरे, कैसे, धी र धी र, फिर किट तक, की त त क, इतना ही है ना। फिर से देखिए, धीर धीर की त क, सिर्फ इतना ही है ना। फिर से देखिए, दांत धीरे 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 किट तक, और जब धीरे धीरे करके इसकी लय बढ़ाना है तो कैसे, धीरे धीरे धीरे। रियाज के लिए अगर आप घर में रियाज कर रहे हैं तो एक एक घंटा यही लय चल रही है, यही है ना, थोड़ी और बस धीरे धीरे, देखा होगा, उठा उठा के, है ना।
फिर और तो बस यही था मेरा धीरे धीरे के ऊपर एक छोटा सा लेसन। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे फिर से पूछिए, लेकिन धीरे धीरे करें आज इसी तरह से कीजिए। उसका ये धी आधे आधे भाग से धी र है ना, पूरा आप ले जाइए और कलाई से ही पूरा बजाइए। बस यही था मेरा एक छोटा सा लेसन और आप इसको जरूर रियाज कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब जरूर करें। और बस मुझे इतना ही कहना था, थैंक यू, और लाइक भी जरूर करें।